दोपहर तक स्पॉन्सर्ड बाय कौटिल्य अकेडमी रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। दोपहर तक की दो बड़ी खबरों के साथ आप सबके बीच मौजूद हैं। बात कर लेते हैं पहली खबर की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मूंग पैदा करने वाले किसानों को बड़ी राहत दी है। सीएम शिवराज ने किसानों से मूंग खरीदने की घोषणा की है। सीएम ने कहा कि किसानों की मूंग न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP पर ही खरीदी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने रजिस्ट्रेशन शुरू होने की तारीख भी बताई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को कहा कि मध्य प्रदेश में किसानों ने मेहनत से ग्रीष्मकालीन मूंग पैदा किया है, लेकिन मूंग के दाम बाजार में काफ़ी कम है। किसानों की सरकार है, इसलिए हमने फैसला किया है कि हम अपने किसानों को न्याय देंगे और मूंग की खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य जो 7,275 रुपये प्रति क्विंटल है उस पर खरीदेंगे। केवल किसानों की मूंग खरीदी की जाएगी और इसके लिए हम 18 जुलाई से रजिस्ट्रेशन प्रारंभ कर रहे हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश में गेहूं के अलावा मूंग की खेती भी बड़े पैमाने पर होती है। प्रदेश में काफ़ी समय से किसानों और उनके संगठनों द्वारा MSP पर मूंग की खरीदी की मांग की जा रही थी। इस पर किसानों ने बड़े पैमाने पर मूंग की बुआई भी की थी, क्योंकि विगत वर्ष सरकार द्वारा MSP पर खरीदी के कारण उन्हें अच्छा दाम मिला था। अभी बाजार में मूंग 5,000 से लेकर 5,500 रुपये क्विंटल में बिक रही है। वहीं अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए विधायक संजय शर्मा के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमार कार्रवाई चल रही है। इनकम टैक्स विभाग की टीम सुबह से ही विधायक के घर, ऑफिस और गोदामों पर पहुंची है और छापेमार कार्रवाई करते हुए एक एक दस्तावेजों की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि यहां से करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी का खुलासा हो सकता है। जानकारी के अनुसार पिछले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे। वहीं मध्य प्रदेश के तेंदुखेड़ा से कांग्रेस के निर्वाचित विधायक संजय शर्मा के आधा दर्जन ठिकानों पर गुरुवार सुबह इनकम टैक्स विभाग की टीम पहुंची। जैसे ही टीम विधायक के ठिकानों पर पहुंची, हड़कंप मच गया। संजय शर्मा कद्दावर MLA के रूप में जाने जाते हैं, ऐसे में कांग्रेस महकमे में भी हलचल मच गई है। इधर मध्य प्रदेश में गुरुवार सुबह करीब 6 बजे आयकर विभाग ने तेंदुखेड़ा से कांग्रेस विधायक संजय शर्मा के घर, दफ्तर और गोदाम में छापेमार कार्रवाई शुरू कर दी। इस टीम में जबलपुर सहित अन्य स्थानों से आयकर विभाग के अधिकारी कर्मचारी और इन्वेस्टिगेशन टीम के अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं। दोपहर तक स्पॉन्सर्ड बाय कौटिल्य अकेडमी रीवा।